हेलो डियर फ्रेंड्स ग्रीटिंग्स ऑफ द डे वेलकम बैक आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मोनोमेटेलिज्म आज हम बात करेंगे कि भैया कितने टाइप्स के थे मोनोमेटलिज्म आप सभी जानते हैं कि मोनोमेटलिज्म का मतलब एक मेटल से बने हुए सिक्के होता है या तो गोल्ड का सिक्का या तो सिल्वर का सिक्का ठीक है तो ये कितने टाइप्स के थे ये बेसिकली दो टाइप्स के थे एक था सिल्वर स्टैंडर्ड और दूसरा था गोल्ड स्टैंडर्ड आइए हम पहले सिल्वर स्टैंडर्ड को समझेंगे फिर गोल्ड स्टैंडर्ड को समझेंगे इन्होंने कहा सिल्वर स्टैंडर्ड में जो मॉनेटरी यूनिट थी वो सिल्वर के यानी चांदी के टर्म्स में डिफाइन की जाती थी और जो स्टैंडर्ड क्वंस थे वो सिल्वर के बनते थे और उनका वेट और फाइननेस वो सिल्वर के टर्म्स में ही देखा जाता था फाइननेस का मतलब कि, कि कितनी उसकी प्योरिटी है कितना ज्यादा उसमें सिल्वर ऐड किया गया है ज्यादा अलॉयज नहीं डाले जाते सिल्वर की मात्रा ज्यादा डाली जाती है ठीक है और वो अनलिमिटेड लीगल टेंडर थे या अनलिमिटेड टेंडर थे और सिल्वर के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था जो सिल्वर स्टैंडर्ड था वो बहुत देशों में बहुत लंबे समय तक उसने काम किया वो चला इंडिया ने भी सिल्वर स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर लिया था 1835 में और 1893 तक इंडिया के अंदर भी हमारा सिल्वर स्टैंडर्ड प्रिवेल किया इस समय जो रुपीस था वो स्टैंडर्ड कॉइन था स्टैंडर्ड कॉइन आप सब जानते हैं जिसे हम फुल बॉडीड कॉइन कहते हैं जिसका मतलब उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू और एक्सट्रेंसिक वैल्यू दोनों बराबर होती है ठीक है इंडिया का जो रूपी कॉइन था जो स्टैंडर्ड कॉइन था उसका वेट फिक्स किया गया था 180 हंड्रेड ये ग्राम नहीं है ये ग्रेन्स है और फाइननेस थी 11 by 12 मतलब 11 पोर्शन आपका सिल्वर का था और एक पोर्शन उसमें सिर्फ अलॉय मिलाया जा रहा था आउट ऑफ 12 पार्ट ठीक है 11 बाय ट्वेल्व फाइनेस बहुत ज्यादा फाइन था उसमें सिल्वर की मात्रा बहुत ज्यादा थी इन्होंने बोला जो कॉइनेज था रूपीज का मतलब चांदी के सिक्के थे वो लोगों के लिए फ्री थे अपन जो पीपल थे वो मिंट के पास जाकर के अपने बार से ज्वेलरी दे करके वो उसे कॉइन्स में इजीली कन्वर्ट करवा सकते थे ठीक है और सेम चीज उल्टा भी कर सकते थे कि अगर आपके पास चांदी के सिक्के हैं तो आप उसे मेल्ट करके आप बार्स या बुलियंस में कन्वर्ट करवा सकते थे ठीक है तीसरा कह रहे हैं कि जो सिल्वर स्टैंडर्ड था उसको मतलब एक यूनिवर्सल रिकॉग्निशन दुनिया भर में पहचान नहीं मिला जैसे गोल्ड स्टैंडर्ड को मिला ठीक है और इन्होंने बोला कि एक दूसरी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ग्रेटर इंस्टेबिलिटी ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यूज ऑफ मनी अंडर सिल्वर स्टैंडर्ड क्योंकि सिल्वर की प्राइसेस गोल्ड की प्राइसेस से ज्यादा फ्लक्चुएट करती थी ठीक है गोल्ड एक ग्राम में कंपेरेटिवली उसकी प्राइसेस कम फ्लक्चुएट करेगी बजाय सिल्वर के तो इन्होंने बोला कि क्योंकि गोल्ड के कंपेरिजन में चांदी के जो प्राइसेस होते थे इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज्यादा जब वो फ्लक्चुएट करते थे तो इंटरनल एक्सटर्नल इनस्टेबिलिटी बहुत हो जाती थी ठीक है लास्ट में कह रहे हैं दस As far as metal is concerned, gold is referred to silver in most of the countries. तो metals की अगर बात की जाए, तो silver के बजाय gold को ज्यादा prefer किया गया पूरी दुनिया में ज्यादातर देशों में ठीक है जो दूसरा standard था वो gold standard था और ये बहुत ही ज्यादा popular मोनो मेटालिक स्टैंडर्ड था यहाँ पे जो मॉनिटरी यूनिट एक्सप्रेस की जा रही थी वो गोल्ड के टर्म में एक्सप्रेस की जा रही थी और जो स्टैंडर्ड कॉइन बनाए जाते थे उसकी फिक्स वेट होती थी यानी पांच ग्राम का सोने का सिक्का तो जितने भी सिक्के बनते थे वो पांच ग्राम के बनते थे ये एग्जाम्पल दे रहा हूं उस जमाने में अलग अलग देशों ने अलग अलग वेट अपना फिक्स कर रखा था साथ ही साथ इन्होंने बोला कि फाइननेस ऑफ गोल्ड मतलब प्योरिटी ऑफ गोल्ड के साथ वो लोग अपना सिक्का बनाते थे आगे कहा जा रहा है कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड था वो वाइडली एक्सेप्टेड था पूरी दुनिया भर में ऑफ द वर्ल्ड द लास्ट क्वार्टर ऑफ नाइनटीन सेंचुरी इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ ट्वेंटी के आखिरी क्वार्टर में आखिरी के पच्चीस साल कह सकते हैं और 20वीं शताब्दी के शुरुआत के 25 साल बहुत ही ज्यादा ये फेमस था और वाइडली एक्सेप्टेड था पूरी दुनिया भर में आगे कहा जा रहा है कि जो यूनाइटेड किंगडम है वो पहला देश था जिसने इस स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया था एटीन में और वही पहला देश था जिसने इसे अबैंडन किया था मतलब इस सिस्टम को छोड़ दिया था 1931 में जर्मनी ने इस स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया गोल्ड स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया था 1873 में फ्रांस ने 1878 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 1900 में अडॉप्ट किया था इस स्टैंडर्ड को और आगे कहा जा रहा कह है कि ग्रेजुअली हम यह कह सकते हैं कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो डिसअपीयर हो गया पूरी दुनिया से और फाइनली कंप्लीटली अबैंडन कर दिया गया पूरी दुनिया से इन द ईयर 1936 में ठीक है दोस्तों शुरुआत हुई थी 1816 में और ये खत्म हुआ था 1936 में दोस्तों आई सिक्स में दोस्तों की इस शॉर्ट वीडियो में भी आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो को यहां तक देखा प्लीज लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऑन दिस नोट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन